नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और देखिए, जिस तरह से आलू कटिंग आपको दिख रही होगी, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे चिली पटाटो बनने वाले हैं। इसी से ना फ्रेंच फ्राइज भी बनते हैं। ये आलू को आप लोग जो कोटिंग लगा के तल लीजिए तो जो है फ्रेंच फ्राइज भी बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे आलूओं की इस तरह हमने कटिंग किया, लंबे लंबे, आप देखा होगा आपने, लंबे लंबे होते हैं इस तरह से, पीस और नमक मिला के रखा हुआ है। और देखिए देखिए आलू लिया है, छील लिया है, और देखिए धुल के साफ करके ना इस तरह आपको कट कर लेना बीच से। देखिए इस तरह चिप्स निकाल लेनी है, जैसे ना पकौड़े वगैरह की चिप्स काटते हैं वैसे निकाल के आप लोग रख लीजिए, और एक के ऊपर एक रख के ना इस तरह कटिंग कर लीजिए। चाहे तीन पीस रखी है, जैसी सुविधा हो आपकी, दो पीस रखी, हमने दो पीस रखी क्योंकि ना चाकू मेरी थोड़ी सी वैसी है ना, आपके पास अगर बड़ी सी चाकू ना उससे चार पांच पीस भी हो जाते हैं। तो ये होता ना कि हमारे जो किचन में सामान होते हैं उससे भी उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। देखिए बहुत ना मोटे हैं ना ये बहुत पतले, आपको पास से हम दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से है। सिंपल से काट के ना नमक के पानी में इनको डालते जाइए, और जो है निकालने के बाद इनको तलना होगा। तो आपको दिखा रहे हैं, देखिए कटिंग की है हमने, और एक ऊपर एक रखेंगे दो पीस को। देखिए इस तरह से आसानी से ये कट जाते हैं, बस थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ेगी आपको कि हाथ वाथ ना कट जाए। जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे काटिए। और ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च, इसको लंबा लंबा काटा हुआ देखिए पीस है, बड़ा सा काट के आपको दिखा रहे हैं। और आप लोग जैसे चाहें ना वैसे शेप में भी रख सकते हैं, यानी कि चौकोर वगैरह काटे जाते हैं ना स्क्वायर में, वैसे भी रख सकते हैं, तिकोने भी रख सकते हैं, तो जैसे ठीक लगे। वैसे लंबे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं लंबे लंबे जिस तरह से हमने काटे हुए हैं, और जो देखने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह दिखा रहे हैं आपको, बीज का पार्ट आपको प्याज का निकाल लेना इस तरह लीजिए, और लंबे लंबे पीस आराम से निकाल लीजिए, और जो आपका पार्ट बचा हुआ है बीज का उसको रख दीजिए, उसको आप दूसरी सब्जी में काम में ले लीजिए, सैलड वगैरह बना के खाइए, जैसे भी आपको खाना हो। देखिए दिखा रहे हैं आपको लंबे लंबे काटने, और बहुत पतले भी नहीं काटने, बहुत मोटे भी नहीं काटने। प्याज थोड़ी सी बड़ी लेनी होगी, शिमला मिर्च भी आपको थोड़ी सी बड़ी लेनी होगी। जो छोटी छोटी शिमला मिर्च होंगी या प्याज होगी उसमें बहुत छोटे छोटे निकलेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे सारे सामान तैयार है। ये देखिए आलू के पीस रखे हुए काट के हमने, थोड़ी सी जो है मिर्च है और अरारोट है, मैदा है, इतनी नहीं लगेगी, कम लगेगी, क्वांटिटी आपको बताएंगे। देखिए शिमला मिर्च है, प्याज है, बस अब बनाना स्टार्ट करेंगे। सारे सामानों को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और फटाफट से बनाइए फिर, और ना बहुत टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों को। देखिए ये सॉसेस रखे हुए हैं, बीच में जो रखा है वो तेल है, सफ़ेद तेल, और कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास घर में हो तो आप यूज करिए, नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं है। बाकी हाँ टेस्ट तो अच्छा इसका आता है, बाकी देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए ये आलू हैं, पानी से निकाल लिए, धुल के साफ करके हमने, अभी इसमें डालेंगे मैदा और अरारोट। तो देखिए अरारोट थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, करीब 3 से 4 चम्मच अरारोट होगा यहाँ पर मेरा, और मैदा ना 2 चम्मच है। इनको मिला लेंगे, आलूओं को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना आपको, और हल्का सा नमक ऐड किया, नमक देख रहे हैं बहुत हल्का सा है। आलूओं को निकाल के थोड़ा सा पोंछ लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। पहले हमने थोड़े से मिला लिए, उसके बाद देखिए सारे आलू डाल लिए मेरे ना, ये 6 आलू हैं मीडियम साइज़ के, उसमें से इतने सारे बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये हैं, अभी इनको तलना शुरू करेंगे। देखिए कढ़ाई रखी हुई है, तेल गर्म हो गया, आपको दिख रहा होगा, मीडियम फ्लेम पे इनको तलना है, सिम पे नहीं तलना है, बहुत हाई पे भी नहीं तलना है। तो मीडियम फ्लेम पे देखिए हम डाल रहे हैं, नौमी भी बीच बीच में डाल रहे हैं, आपको नौमी का हाथ दिख रहा होगा। और ना बहुत सारे पीस आपको एक साथ नहीं डालने हैं, यानी कि मतलब अलग अलग करके डालिएगा, क्योंकि साथ में ये चिपक के सेकेंगे ना आप लोग तो साथ में चिपके हुए निकलेंगे, फिर अलग करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर इनको तल रहे हैं, इनको तलने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और जो है ध्यान दीजिएगा बीच बीच चलाते भी रहिए, और जो है जब ये सिक जाए इस तरह से गोल्डन हो जाए हल्के हल्के आप लोग निकाल लीजिए, और तोड़ के देखेंगे ना तो उससे भी आपको पता चलेगा ये पक गए अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। आप इनको ना ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं सॉसेस के साथ में, इसी को फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। और जो हम बनाएंगे ना अभी सॉसेस के साथ में, ग्रेवी के साथ में, वो चिली पोटैटो हो जाएगा। तो ये देखिए दिखा रहे हैं आपको, आप सॉस के साथ में इसको इंजॉय करिए। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया, बहुत थोड़ा सा, काफ़ी सारा लहसुन डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा सा लहसुन है, अदरक भी डाल सकते हैं अगर आप लोग खाते हो तो। और यहाँ पर देखिए हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हरी मिर्च अगर आप ना डालें तो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, चिली फ्लेक्स जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे मेरे पास थी नहीं तो इसलिए हमने हरी मिर्च ऐड करी है। यहाँ पे देखिए सफ़ेद तेल ऐड करें करीब 1 चम्मच भर के, उसके बाद सारी सब्जियाँ मिला देंगे, शिमला मिर्च और प्याज, इनको ना हाई फ्लेम पर आपको हल्का सा भूनना है, कलर वलर चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि जो ये चाइनीज आइटम हमारे होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पकाते नहीं है। और ये देखिए ये रेड चिली सॉस है, करीब 4 चम्मच भर के ऐड किया है, टमाटो सॉस डालेंगे 4 चम्मच, ये देखिए टमाटो सॉस,
ग्रीन चिली सॉस होता है ना वो भी डालेंगे 4 चम्मच। तो सारे सॉसेस को ना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं या और ऐड करना चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आपको फ्लेवर रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लिए। देखिए तीनों सॉसेस को डाला, उसके बाद देखिए सोया सॉस है, इसको थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर जब ज़्यादा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये अजीनोमोटो घोल के डाला हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ ना विनेगर ख़त्म हो गया था वाइट वाला, तो ऐसे हमने डाला हुआ है। ये देखिए ये काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच भर के, ये भी ऐड करेंगे। सारे सॉसेस को आपको चला लेना, थोड़ा सा भून लेना है और आप चाहें तो इसको ऐसे ही रखिए, अरारोट इसमें ना लगाइए, हम अरारोट के साथ बनाने वाले हैं। देखिए ऐसे भी ये बन जाता है, इसलिए ना ड्राई बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए पाउडर लिया अरारोट है, ये पाउडर नहीं सॉरी अरारोट है, इसको घोल लेंगे, 2 चम्मच करीब घोला है, इसमें देखिए ऐड कर दिया, सॉसेस थोड़े से भूने, उसके बाद देखिए अरारोट ऐड कर दिया, चला लेंगे इसको। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको पकाने के लिए, देखिए पानी डाल के पकाएंगे ना तो ये ठीक लगेगा वरना कच्चापन आएगा। इसमें देखिए हल्का सा पकाया है और थोड़ी देर चलाएंगे इसको, अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि ना इसमें गुलटियाँ लम्स पड़ जाते हैं, तो जब आप भी इसको मिलाए ना चलाते रहें बराबर, और जब बस खोलने लगेगा बॉयल होने लगेगा तो ये पक जाएगा धीमी धीमी आँच पे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में पक जाता। देखिए ये पक गया है, सब्जियाँ भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ना सारे फ्रेंच फ्राइज मिला देंगे, तो ये इस तरह से आप रख सकते हैं, चाहे तो सिंपल जो है सॉसेस के साथ में भी रख सकते हैं। हमने ना ग्रेवी बढ़ाने का रोट लगाया हुआ था, सारे पीसेस को मिला देंगे, उसके बाद फ्लेम अपनी ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है आपको डालने के बाद ना, वरना ये जो है बहुत गल जाते हैं अपने आप से, जो है टूट से जाते हैं। तो गैस आप थोड़ी सी बंद कर दे जल्दी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पकाना वकाना नहीं है, आपको ग्रेवी के साथ में ये करना है। तो देखिए हमारी ये जो है फ्रेंच फ्राइज यानी चिली पोटैटो बनके तैयार हैं, बहुत अच्छी रेसिपी, आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए कलर आप देखिए, कलर ना ऊपर ठीक से आ नहीं रहा था, कभी कभी ऐसा होता है गैस पे जब ऊपर हम बनाते हैं स्लिप पे तो कलर वो नहीं आता है जो मेरा होता है। अभी देखिए नीचे रख के सूट करते, इसी वजह से हम नीचे रख लेते हैं कलर की वजह से। और देखिए ये हाथ जो देख रहे हैं किसी और के हाथ हैं, बताएंगे आने वाले वीडियो में किसके हाथ हैं। देखिए यहाँ पे जो है, और आप डालिए सफ़ेद तेल, गार्निश करिए, और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा होता है इसका, इसलिए भी डाले जाते हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा, मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। घर में ना काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के तैयार कर सकते हैं, सिंपल सिंपल से सामानों के साथ में और अपने अकॉर्डिंग। अभी हम खा रहे हैं पूरे 2 घंटे बाद, और ये गलती हो गई हमसे, उसके लिए बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ना हमने नमक ऐड किया है ग्रेवी में, क्योंकि नमक दिखा आप देखेंगे आगे वीडियो, इसलिए हमने एक क्लिप आगे जोड़ी हुई है, सबसे आगे इस क्लिप को ऐड कर रहे हैं स्पेशली बताने के लिए आप लोगों को कि नमक हमने ऐड किया है, बट वो वीडियो में शूट भी नहीं हुआ है और वॉइस ओवर में भी नहीं है, नमक ना हमने कहीं बोला है ना आपको दिखाया, तो आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ेगा ग्रेवी में। हालांकि सॉसेस में नमक अपने होते हैं, बट थोड़ा सा नमक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने भी चिली पोटैटो जो बनाए हैं ना उसमें नमक ऐड किया है थोड़ा सा स्वाद के अकॉर्डिंग, तो आप लोग नमक ऐड करें, बट हमने कहीं नमक बोला भी नहीं है और नमक दिखाया भी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते। एक्चुअली सूट नहीं हुआ नमक, तो रिकॉर्डिंग में हमने नमक नहीं बोला, बट नमक है उसमें थोड़ा सा। बन गई आपकी रील्स? बन नहीं गई है, धूप में पागल हो रहे हैं। इस देश की बेटी हो? मैं इस देश की बेटी हूँ। ये डायरेक्टर साहब बैठे हैं, एक्शन कैमरा, कैमरा एक्शन कैमरा मैन है? नहीं, रोल कैमरा एक्शन। हाँ रोल कैमरा एक्शन, मेन कैमरा एक्शन। हमारे एक्टर को कोई चाय नाश्ता ही नहीं पूछते बेचारे धूप में। उनकी मम्मी पता मामा से अगर तुम तैयार होती तो वो नहीं जो ऐसे पकड़ के घूमते हैं, कहाँ घूम लेते, कौन वीडियो बनाता है और बना रही हो? घूमते घूमते के नीचे लग गिर जाए। हाँ भी तो और यहाँ पे ये देखिए प्रीति की पैकिंग हो रही है, प्रीति जा रही हैं अपने नानी के यहाँ, और प्रीति आज चली जाएंगी। तो ये देखिए सफ़ेद जो टॉप पहना हुआ है प्रीति ने, ये मोनी ने दिलाया है, मेरी नंद ने ना प्रीति को दिलाया है। और हमारे जब भी प्रीति आती है ना पापा सब लोग दिलाते हैं कुछ ना कुछ उसको। और ये देखिए ये भाई हैं, ये एक्चुअली मेरी भाभी के भाई हैं, और भाभी का रियल मायका ना लखनऊ में ही है, तो वहीं जा रही हैं, भैया लेने आए हैं। भाभी के बड़े भाई हैं, तो मेरे भी भाई हुए, ये बड़े भाई हैं ये। आइएगा मिलो बच्चों, जल्दी बुला लेंगे। नहीं नहीं आप ही भेजिए, जाए जल्दी पिज़्ज़ा पार्टी होगी। खुशी में पिज़्ज़ा लगाएंगे। मैं थोड़ा शूट कर देती हूँ। जा रहे हो, चले जाओ, चले जाओ। किसी से अब क्या कह रहे हैं? अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले साल, पिछले साल नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा। और मम्मी को परेशान किया ना तुमने?
परेशान किया तो करेंगे तो नहीं परेशान करना है ठीक है करना है पानी पिला दो दीदी को पानी पी लो हाँ पानी लाओ और परेशान मत सपोर्ट करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और जितना आपके जानने में सबको बताइए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है मेरी मासी आपने मुझे भी पसंद नहीं किया मैं जा रही हूँ इसलिए वापस मैं जा रही हूँ बहुत बुरा लग रहा है और ये वीडियो ना मेरा 14 अगस्त का है यानी कि पूरा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो 14 अगस्त का है। उस दिन ना रील शूट की थी हम लोगों ने, आपने देखी होंगी रील्स, तो एक दिन पहले शूट कर ली थी। जो ग्रीन साड़ी में मेरे हैं ना वीडियो शॉर्ट वीडियो वो उसी दिन के हैं। तो प्रीति चली गई, अभी तो प्रीति घर वापस आ चुकी है, वीडियो मेरा आज जा रहा है, वीडियो मेरे लेट चल रहे हैं काफ़ी। उसके बाद देखिए हम लोग पूजा प्रिया के आ गए यानी कि अपनी जेठानी के। मोनी का मन था, जब से मोनी आई है ना भाभी के घर नहीं गई हैं तो हम भी साथ में गए थे। एक्चुअली मोनी ना अकेले कहीं जाती नहीं है, ये हम लोगों की फैमिली में है कि हम लोग जब होते हैं एक साथ तो अकेले कहीं नहीं जाते, सब साथ ही में जाते हैं। क्या किया तुमने स्कूल में, कुछ किया है? क्या किया? गाना गाया है। कौन सा? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा मन मेरा तन। यार हंस रहा है, यार हंस रहा है, यार रस्ता है, बारिश की जाए। ये देखिए चोर लड़की बाबू बाबू करके आधी खोल दी थी। आधी में दो सिर्फ नहीं है केवल। अपनी बुआ को उनकी बुआ बता रही दादी है। असलियत ना बताओ, दादी हमको तुम दादी बना दी। दादी है तो है ये ना, ये इतनी जवान दादी है, ये पोती है और ये दादी है। ये पोती है, ये मेरा भतीजा, ये भतीजा से बड़ा बहू ये हाँ ये मेरे भाई बहू है। देखो ये देखो ये मेरी बहू है। नहीं तो मैं कमरा बाथरूम में लगवा दिए टाइम, बस छज्जा छोड़ के पूरे घर में लगवा दिए। छज्जा छोड़ के पूरे घर में टाइल लगवा दिए। प्रिया गुस्सा आ गई इसलिए कहा कि ये हमेशा यादगार है, मैं बर्बाद हुआ इसको पहन के बर्बाद हुआ। तो फिर जहाँ रुपये तुमने पूछा नहीं हमें तो तैयार होकर क्यों आए, हम ऐसे आ सकते हैं? नहीं होंगी वहां से। नहीं वीडियो अच्छा 15 अगस्त है ना। और ये देखिए ये ना ये बैग या पर्स जो भी समझिए सामान रखने के लिए झील ने बनाया। इस ये क्लिप को ना हमने इसलिए ऐड किया, देखिए एक तो ऐड हम कर लेते क्योंकि बच्चों का मन होता है इस वजह से, दूसरी ये चीज़ है ना कि देखिए बच्ची है ना बहुत छोटी सी मगर इतनी ज़्यादा क्रिएटिव है, ये नौमी से बहुत कुछ सीखती ना, ये बुआ भतीजी की बहुत पड़ती है, नौमी को बुआ बोलती हैं। तो देखिए इसने ना ये अचार का पैकेट होता है ना उससे बनाया, ये बॉक्स भी इसने बनाया बच्ची ने, और ये 5 साल की बच्ची है, 6 साल की, बहुत कुछ करती है घर में, काफ़ी सारी चीज़ें इसने बना के रखी। और देखिए ना ये चम्मच ये दिखा रही थी स्पून पूरा जो है, ये ना मम्मी पापा हैं और दो बच्चे हैं, इस तरह से फेस हैं इनके, बहुत प्यारी सी चम्मच हैं ये स्पून जो आती है। रेडीमेड बोल रही थी कि जो है दादी इनको बनाना सिखाई है, बच्ची है वो सोचती है ना कि ये बनाना इनको हम सिखा देंगे घर में बन जाएंगे, इस तरह से कुछ सोचा है, उसको बताएंगे ना तो आपके साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो का एंड भी करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, और मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा यानी कि 15 अगस्त को वो कल आएगा, तो बाय बाय।